डियर स्टूडेंट माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा कंप्यूटर ट्रेनर, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें। माई यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को अपलोड मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टैली में की बात करेंगे। टैली में हम टॉपिक जो है वो अकाउंट्स विद इन्वेंटरी के बात करेंगे। किसके बात करेंगे? अकाउंट्स विद इन्वेंटरी के बारे में। जैसे कि हमें किसी भी कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद हमने लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद हमें कोई भी माल के साथ मतलब किसी भी आइटम के साथ व्यापार में लेन देन करना हो तो वो अकाउंट्स विद इन्वेंटरी के टॉपिक में आता है। तो आज हम इन्वेंटरी के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, मैंने अपनी टैली को यहाँ पे मिनिमाइज कर रखा, तो इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले किसी भी टॉपिक्स में करने से पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, तो सूट कंपनी पे क्रिएट करोगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर लोगे। ऐसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करी, उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू अर्बन कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर नाम का मैंने कंपनी बना रहा हूं। इसका जो एड्रेस डालता हूं वो इस्लाम नगर लिख देता हूं, इस्लाम नगर बधाई हूं। उसके बाद इसमें जिसकी स्टेट है वो उत्तर प्रदेश आता है, तो एंटर करके मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा, बाकी फिल नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं अगर आपको फुल करना है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको फिल करना बताया है। अब आप बात करेंगे अकाउंट्स में इन्वेंटरी में लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर क्रिएशन के बारे। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। अब देखो हमें लेजर बनाने होंगे चार, परचेस का, सेल्स का, क्रेडिटर का और डेप्टर का। तो परचेस जो है वो किसके अंडर में जाता है? परचेस जो है वो परचेस अकाउंट के अंडर में जाएगा। किसके अंडर में जाएगा? परचेस अकाउंट के। तो यहाँ पे हम पी दबा के परचेस अकाउंट ले लेते हैं और एंटर से एक्सेप्ट करा देंगे। उसी प्रकार हम सेल्स ले लेते हैं, सेल्स जो है वो किसके अंडर में जाता है? सेल्स के। तो हम यहाँ सेल्स अकाउंट के अंडर में डाल देंगे। ऐसे हम क्रेडिटर जो बनाएंगे, शायद वो हम अपनी कंपनी का नाम को भी बना सकते हैं या हम राम मोहन या कुछ भी और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने राम ले रखा है और क्रेडिटर को एंटर करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं मोहन नाम का एक एग्जाम्पल के तौर पर बोले लेता हूँ कंपनी, जैसे मोहन हम संडी डेप्टर बना देते हैं। क्या बनाएंगे? इसे संडी डेप्टर, और इसे इसी के साथ मैं एंटर एक्सेप्ट करा दूंगा। मेरे चारों लेजर बन चुके हैं और मुझे बैक जाने के लिए ईएससी से मेन पेज पे जाके क्या करूंगा, मैं ईएससी से बैक मेन पेज पे आ गया मैं। अब मुझे इन्वेंटरी इन्फो में जाके एक स्टॉक आइटम बनाना होगा। स्टॉक आइटम पे गए, क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद एक फॉर्म फिल खुल के आएगा। उस फॉर्म में हमें लिखना होगा जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना है उस प्रोडक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर नाम का एक फोल्डर बना रहा हूँ स्टॉक आइटम। यहाँ अल्ट सी करेंगे तो अभी हमारा प्राइमरी खुल के आएगा। ये किसके अंडर में आता है? हार्डवेयर के। इसे भी मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। अगर मुझे पीसीएस खोलना है कि मतलब कितने पीस में लेना है, तो यहाँ मुझे पीसीएस डालना होगा। एंटर एक्सेप्ट, इसे भी एक्सेप्ट कराऊंगा, इसे भी एक्सेप्ट कराना होता है। मैं आइटम बनकर तैयार हो गया, ये सी सब एक मेन पेज में आ जाएंगे। अब हमें अकाउंटिंग के साथ लेन देन करेंगे। ये तो हमारे लेजर बनाने थे और हमारे आइटम बनाना था। अभी हमें व्यापार में लेन देन करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। परचेस के लिए F9 में यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, वैसे इसकी शॉर्टकट की से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे पार्टिकुलर आ रहा है और यहाँ पर रेट आ रहा है, तो हमें यहाँ पे आइटम इनवॉइस पे क्लिक करना होगा ताकि हमें स्टॉक आइटम नेम, क्वांटिटी और रेट आ जाए। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम राम है, जो मेरा क्रेडिटर है, तो मैं उसको राम को डालूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे कंप्यूटर डालना होगा, कितने पीस खरीद रहा हूँ मैं। मैंने 10 पीस खरीदे हैं, 5000 से खरीद रहा हूँ मैं, तो मुझे 50000 के होगा। इसे एंटर करके मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। क्या करूंगा मैं? एक्सेप्ट, मैंने ये एक्सेप्ट करा दिया। अब मुझे बेचने के लिए सेल्स पे क्लिक करना होगा, F8। यहाँ पे पार्टी अकाउंट मैं मोहन को बेचूंगा, तो मोहन को बेचने के लिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे करना है, तो देखो मेरे पास 10 कंप्यूटर, तो मैं 10 को 10 बेच देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेने के बाद 5 का लिया था और मैंने यहाँ पे 6 के बेच दूंगा, तो एंटर करके मुझे इसको भी एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिए। अब मुझे बैक जाने के लिए फिर ESC बट दबाना होगा, ESC से बैक मेन पेज। अब मुझे देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो मुझे कहाँ पे जाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आके बोलूंगा एंटर मार दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेस 50000 का, सेल 60000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 10000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे क्या 10000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे टैली को मिनिमाइज कर रहा हूँ।
तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से लाभ मिले। और अगली क्लास में हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स कैसे लगाते हैं टैली में।